पुणे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर बना 158 रन। भारत पर बनाई 301 रन की बढ़त। कप्तान टॉम लॉथम ने खेली 86 रन की पारी। विल यंग ने 23 रन, टॉम बेंडन ने 30 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। दूसरी पारी में फिर चला वॉशिंगटन सुंदर फिक्की का जादू। पहली पारी में हासिल किए 7 विकेट, दूसरी पारी में चटकाए 4 विकेट। दोनों पारियों में चमके सुंदर। आर अश्विन को मिली एक कामयाबी। पुणे टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का लचक प्रदर्शन। 156 रन पर ढेर हुई भारतीय टीम। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने भारत के लिए 7 विकेट। क्लेन फिलिप को हासिल हुए 2 विकेट। पुणे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने खेली 30-30 रन की पारी। विराट कोहली ने फिर किया निराश, 1 रन पर लौटे पवेलियन। एशियाई पिच पर खुली विराट कोहली की पोल। साल 2021 स्पिनर्स के खिलाफ नहीं चल रहा है बल्ला। एशिया के में स्पिन के खिलाफ 26 पारियों में 21 बार आउट हुए कोहली। ऋषभ पंत का पुणे टेस्ट में नहीं चला बल्ला। 19 गेंद पर 18 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ऋषभ के अलावा सरफराज खान ने खेली 11 रन की पारी। मिचेल सेंटनर ने लिया सरफराज का विकेट। पहली पारी में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 46 गेंद पर 38 रन की खेली पारी। पारी के दौरान जडेजा ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी गिल जयसवाल के बीच हुई। दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच 49 रन की पार्टनरशिप। 7 विकेट के बीच जडेजा सुंदर के बीच 33 रन की साझेदारी। यशस्वी जायसवाल ने साल 2024 में छुआ नया मुकाम। इस साल टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन। यशस्वी जायसवाल ने कारनामा 22 साल की उम्र में किया। पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का तोड़ा रिकॉर्ड। साल 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वालों की लिस्ट में यशस्वी जायसवाल दूसरे नंबर पर। लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टॉप पर काबिज। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार को उत्तर प्रदेश क्रिकेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रवीण कुमार को सीनियर सिलेक्शन कमेटी का बनाया गया चेयरमैन। युवा खिलाड़ियों को निखारने की मिली जिम्मेदारी। यूपीएससी चेयरमैन बनने के बाद प्रवीण कुमार का बयान सामने आया। कहा, मेरे लिए गर्व की बात। युवा खिलाड़ियों को दिखाऊंगा नई राह। लोकल और स्टेट लेवल पर करूंगा खिलाड़ियों की मदद। रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी पाकिस्तान ने बनाए 344 रन। मिक ऑर्डर में साउथ शकील ने जड़ा शतक। साउथ शकील ने 223 गेंदों पर 134 रन बनाए। नुमान अली को और साजिद खान ने तेजी से बटोरे रन। पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड पर बनाई 77 रन की बढ़त। इंग्लैंड की तरफ से रेहान अहमद के लिए 4 विकेट। शोएब बशीर को मिली 3 कामयाबी। गस एटिंगसन ने लिए 2 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा वावुआ। वावुआ की गैर मौजूदगी में एडन मार्क्राम ने संभाली कप्तानी। वावुआ को टिशू मसल की दिक्कत। टेम्बा वावुआ को सीरीज से पहले हुई थी इंजरी। पहले टेस्ट से बाहर थे 29 अक्टूबर से। चट्टोग्राम टेस्ट में से भी बाहर हुए श्रीलंका के खिलाफ हो सकती है टेम्बा वावुआ की वापसी। वर्जिंग एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका पाकिस्तान पर बड़ी जीत। फाइनल में बनाई जगह। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए 135 रनों में यूसुफ ने लगाई 50। श्रीलंका की तरफ से दुशान हेमथा के लिए 4 विकेट। दुशान ने अलावा निपुंग रसिका और ऐशान मलिंगा को मिले 2-2 विकेट। बल्लेबाजी में लाहिरू उदारा ने खेली 43 रन की पारी। श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। सीरीज में श्रीलंका 2-0 से आगे। मैच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। श्रीलंका ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से धोया था। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। क्लीन स्वीप पर लंका के नजर।